नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल BS ऑनलाइन स्टडी में मैं ब्रिजेश आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताएं कि 5000 पदों की लिखित परीक्षा जो है फंसी हुई है, और आप सभी लोगों को बताएं कि कोरोना कर्फ्यू के कारण जेल वार्डर परिणाम में भी देरी हो रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, आप सभी लोगों को इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आप सभी लोगों को दी जाएगी, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं, UPSSC कोविड महामारी का पड़ा साया, कई अफसर संक्रमित, 5000 पदों की लिखित परीक्षा जो है फंसी हुई है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कोरोना महामारी का साया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा पर भी पड़ गया है। करीब 5000 पदों के लिए लिखित परीक्षाओं की कार्यवाही जहाँ की तहाँ अटक गई है, इससे अभ्यर्थियों में गहरी निराशा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वर्ष 2016 से 2019 के बीच विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन लिए गए थे। विभिन्न वजहों से इनकी लिखित परीक्षा की कार्यवाही अटकी हुई है। आवेदकों ने की आवाज़ उठाए जाने के बाद सरकार के निर्देश पर अगले आयोग ने लिखित परीक्षाओं की योजनाओं पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन कोविड महामारी की दूसरी लहर आ गई। आयोग के कई अधिकारी भी संक्रमित हो गए, इसके बाद कार्यवाही पूरी तरह से ठप हो गई है। जानकार बताते हैं कि समूह ग की भर्तियों में हजारों की संख्या में आवेदक रहते हैं। कई अभ्यर्थियों में आवेदकों की संख्या लाख में है। वर्तमान हालत को देखते हुए लिखित परीक्षा का आयोजन संभव नहीं माना जा रहा है। सभी भर्तियों को लिखित परीक्षा होनी है। माहौल सामान्य होने पर आयोग उनको बोर्ड परीक्षा व अन्य आयोग के भर्ती कैलेंडर से समन्वय बनाकर लिखित परीक्षा की योजना तैयार करनी है। ऐसे में कई लिखित परीक्षाएं अगले वर्ष तक खींच सकती हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि कोरोना कर्फ्यू के कारण जेल वार्डर की परिणाम में भी देरी हो रही है, क्योंकि जेल वार्डर, फायरमैन, घुड़सवार, पुलिस के विभिन्न पदों के अंतिम परिणाम घोषित होने के समय लग सकता है। पहले इसे अप्रैल के मध्य में घोषित होना था, लेकिन पंचायत चुनाव, फिर कोरोना कर्फ्यू के कारण अंतिम चयन परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि अंतिम चयन परिणाम कोरोना कर्फ्यू तक समाप्त होते ही घोषित किया जाएगा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी कर्नाटक की है। कर्नाटक और UP की जगह इस समय कोरोना कर्फ्यू चल रहा है। उन्होंने बताया कि इस भर्ती से संबंधित शारीरिक दक्षता पूरी हो चुकी है, परिणाम भी तैयार है। बता दें कि जेल वार्डर के 3638 पद, फायरमैन के 2065 और घुड़सवार के 102 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी। 8 भर्तियों की लिखित परीक्षा का इंतजार है। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं? सांख्यिकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी एवं सहायक बोध अधिकारी 2019 भर्ती है, और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन भर्ती 2019, वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक भर्ती 2019, और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा भर्ती 2019 मुख्य परीक्षा की है, और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद 2018, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती 2018 की है, सम्मिलित अपर अभियंता एवं उप वास्तुकार भर्ती 2016, और सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती 2016। इस प्रकार दोस्तों, यह 8 भर्तियाँ जो हैं स्थगित इस समय में है। इन भर्तियों का जो है लिखित परीक्षा का इंतजार किया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।